पंजशीर पर कब्जा हो पाना तालिबान की एक बड़ी उपलब्धि है। जिस पंजशीर में रूस अमेरिका सब हारे, वहां तालिबान का नियंत्रण होना उनके लिए काफी मायने रखता है। इसीलिए तालिबान पंजशीर में अपने सैलरीड लड़ाकों को तैनात रखता है, जिनका काम है जगह जगह चेक पोस्ट पर मौजूद रहकर जांच करते रहना, ताकि विरोध के सुर उठे तो गोलियों से उन्हें शांत किया जा सके। हमारे जितने भी साथी हैं, मतलब जितने भी मुजाहिदीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब तालीम से वाबस्ता हैं। तालीम याफ्ता एक अद्दू का अगर कोई एक होगा कि तालीम से वाबस्ता नहीं, लेकिन उनको भी अपना तौर तरीका, अपना सिस्टम मालूम होगा कि हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है या हमें क्या करना है। सही है ना? इसके बारे में बताइए, ये जो ये आपको पता होगा, इसमें क्या खास है जो बाकी के? इसमें खास ये है कि तो एक अमेरिकन है, दूसरा इसका वजन कम है, तीसरी बात ये है कि इसका जो गोली है, बुलेट, इसका जो बुलेट है निशान है, है ना? अच्छा, ये अमेरिका है ना, माल गनीमत है जी, ये माल गनीमत है अमेरिका लोगों से। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, नारा तकबीर। इसमें क्या लगा है? ये क्या चीज है? ये लेजर है। लेजर, लेजर भी है और टॉर्च भी है। टॉर्च भी है। इंग्लिश में बोलता है स्नाइपर। स्नाइपर, अच्छा, ये वो है स्नाइपर। ये भी स्नाइपर है। अच्छा अच्छा, ये उसके साथ साथ जब लोग गदार है उस पर मारेगा इंशाल्लाह। मुनीर अहमद आपका नाम है। कहाँ रहते हैं आप यहाँ? क्या अफगानिस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं? कंधार। कंधार के रहने वाले हैं। तालिबान के साथ कब से जुड़े हैं? बचपन से बस ही तालिबान का। मेरा चचा जो है वो अमीर का कमांडर, तालिबान का कमांडर है। अभी जो है, अभी जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, आप लोगों को किस तरह से आपका गुजारा चलता है? आप लोगों को तनख्वाह मिलती है? हाँ, मिलती है। अच्छा, हर महीने? हर महीने का मिलते हैं। कितना तनख्वाह मिलता है आप लोगों को? पिछले बार 10,000 मिल गया, फिर 13,500 मिल गया। अफगानी अफगानी करने से 13,000। घर बेचते हैं पैसे या खुद करते हैं खर्चा? ना ना, घर बेचते हैं, यहाँ पर जो खर्चा है वो सब इमारत करते हैं। इमारत करता है, मतलब आपके खाने पीने। काम क्या होता है आपका? मेरा काम बस ही पेरा यहाँ पर होता है, कभी चेक पॉइंट। ये तो चेक पॉइंट है। हाँ, चेक पॉइंट पे क्या काम करते हैं आप? बस ये मोटर से तलाशी करते हैं, लोगों से बातचीत करता है, कैसे रोजा ठीक ठाक हो, सब यही पूछते हैं बस, और तंग नहीं करते बस। सिर्फ निजामी चीज वगैरह जो इसके पास होते हैं हम इसे लेते हैं, वापस को रुख्सत करते हैं। तो तंग किसी को नहीं करना है? ना, ये ऊपर से ऑर्डर है, मतलब? हाँ, ऊपर से ऑर्डर है तलबा का। ये दर्स हमें मदरसे में देता है कि आवाम से ज्यादा तंग नहीं करना ना। तो पंजशीर की लड़ाई के बारे में बड़ा था कि यहाँ पर उसका अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले, कब क्या उनका क्या क्या किस्सा था? वो सब सोशल मीडिया पे था या हकीकत भी थी जमीन पे कुछ ऐसा? हकीकत भी थी, ऐसी थी। ये पहले बार जो इमारत थी इसमें भी ये फतह नहीं हुआ ये जगह। ये बहुत सख्त लोग है यहाँ के। तो फिर अभी माशाल्लाह आपका है यहाँ पर पूरा कब्जा है? हाँ, अभी पूरा कब्जा है। अब इंशाल्लाह बस हम अपने अखलाक से इसको, इसके साथ जुड़ रहे हैं ना। जब वो ये पठान लोग जान ले कि ये किस तरह लोग है, ये हमसे बहुत नफरत करता है, कसम से बहुत ऐसे गोर गोर के देख रहा है ना। हम अभी इसके साथ अखलाक कर रहे ताकि वो हमें अच्छी तरह जान ले कि हम किस तरह लोग हैं। तो अखलाक से ही इनका दिल जीतेगा। हाँ, इंशाल्लाह। तो दरअसल ये बातचीत जो यहाँ पर इस, ये चेक पॉइंट एक है पंजशीर में, जहाँ पर तालिबान के ये सभी जो हैं लोग हैं, इनमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, और इनका साफ कहना है कि ये यहाँ पर जो है सिर्फ इंतज़ाम के लिए हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, किसी कोई परेशानी हो, जो गाड़ी यहाँ से गुजरती है उसकी तलाशी वगैरह लीजिए जाती है अगर ज़रूरत उनको लगे, वरना नहीं। तो लेकिन ज़्यादातर जहाँ पर हम पंजशीर में आम लोगों से भी बात की तो उनका यही कहना है कि तालिबान की तरफ से जो बर्ताव है उनके साथ वो काफ़ी अच्छा रहा अभी तक जब से तालिबान की हुकूमत थी। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का जो बिहेवियर या बर्ताव है तालिबान का वो दिखने को मिलेगा। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, पंजशीर, अफगानिस्तान, आज तक।